If there's something that has been bothering you since a long time, something that does not seem to go away no matter how hard you try, I think you should try therapy. And in these times when going out is not your best option, then remote therapy from highly qualified and experienced clinical psychologists is what you need. Log on to www.menteb.com and start your journey towards a better headspace today. Again, that is www.menteb.com. Start your journey towards a better headspace. पूरी क्लास भरी हुई है, लौंडे एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं, लेकिन सामने वाली बेंच पे जिसपे एक लड़की बैठी है वहां पे जाके दूसरा लड़का नहीं बैठे। हम वो पेपर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं और फिर उसी को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों पे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में कोई भी जेई की रैंक नहीं पूछता, सबके सब एक ही चूतियों की फौज है, बस ऐसे समझ लो। आईआईटी में सिर्फ दो लेटर है, बाकी 24 लेटर ऑफ द अल्फाबेट बचे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेट विद सिड, और ये एपिसोड नंबर 22, और आज हमारे साथ हैं सार्थक सिंह। सार्थक सिंह, वेलकम टू सेट विद सिड। और पिछले काफी जो एपिसोड्स थे वो थोड़े इंटेंस हो गए थे, मैंने कहा आज हम ना अपने एक दोस्त के साथ बैठेंगे और करेंगे चिल। सार्थक, वेलकम। हेलो, कैसे हो भाई? मैं तो बढ़िया हूँ, तीसरी बार पूछ रहा हूँ, पर तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, बस कॉलेज कैसे चल रहा था। अच्छा, तो सार्थक वे तुम बस पढ़ी। तो अच्छा, तुम मेरे ऐसे पहले गेस्ट हो जो हु डज नॉट हैव अ पब्लिक लाइक इतना लाइक किसी भी तरह का पब्लिक स्टैंडिंग नहीं, मतलब लाइक ऑल ऑफ द गेस्ट दैट आई हैड ऑन दिस पॉडकास्ट उनका कोई ना कोई एक पब्लिक अकाउंट है जिस पर वो रेगुलरली कुछ कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं या कोई एक पब्लिक स्टैंडिंग है उनकी। तो मेरी ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना एंड टेल देम अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम सार्थक है और आई गेस मैं और सिड बचपन के दोस्त हैं, बीटेक कर रहा हूँ और बाकी फिर बात करते करते पता चली जाएगा। तो सार्थक, फॉर हूएवर डज नॉट नो, सार्थक IITian, और सार्थक और मेरी कहानी है, एक तो जैसे उसने बताया बचपन की है एक तो, लेकिन हमारी मेजर कहानी स्टार्ट होती है 11th क्लास से, कोचिंग में जब हम गए साथ रेजोनेंस। और फॉर द रिकॉर्ड सार्थक कोचिंग का सबसे टॉप लौंडा और मैं कोचिंग का सबसे रिठल्ला क्लास क्लाउन जिसको बोलते हैं। नहीं यार, वी वर ऑल इन द सेम लेवल। ओ भाई, इतना मारेंगे ना तुमको ये वो। एक तो बेसमेंट में क्लास होती थी हमारी और ये गटर वाली थिंकिंग वहां से भी निकाल लो। ये सब टीचरों पे अच्छी लगती है, तुमसे 1.5-1.5 लाख रुपए आते हैं साल के, और कुछ नहीं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक तो मतलब आज मुझे बात करनी थी कि मैं और तुम अब तो एकदम ऑपोजिट उस पे चल रहे हैं। हमने 11th-12th भले ही साथ में करा हो, बट अब तो एकदम ही ऑपोजिट के एकदम ही अलग फील्ड्स कह सकते हो तो। और इवन जब हम थे भी कोचिंग में तो भी मेरे और तुम्हारा देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट मे बी समथिंग लाइक इंजीनियरिंग और IIT या फिर कोचिंग बहुत शायद डिफरेंट रहा हो। तो टेल मी अबाउट योर 2 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस, व्हाट वाज इट लाइक, फिर मैं बताऊँ मेरा कैसे ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन करी, उसके बाद लाइक जाके क्या पता चला। देखो, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो मेरे को, मैं कोचिंग गया तो अब लाइक हमेशा से चला रहा है कि CBSE और ICSE, और ICSE वाले हम लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है, ये हमेशा से चला रहा है, ठीक है। तो मैं कोचिंग गया एंड हम लोगों को सब साथ में सिखाया जाता था। अब मैं CBSE का स्टूडेंट, मैं सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस जानता था, उनको प्रायोरिटी टेबल आती थी पूरी, मैं कहा ठीक है। फिर अब क्लास स्टार्ट हुई, अब मैं देखा, तुम गए 9th में थे ना पहली बार? यप। तो मैं गया, मैं देखा कि यहाँ सर एलिमेंट के नाम बता रहे हैं और बच्चे उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, और मैं पीरियोडिक टेबल में ढूंढ रहा हूँ ये एलिमेंट कौन सा है। तब मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ।
मुझे कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा. तो फिर जब लाइक वी यूज टू हैव समर कैंप, तो हम लोग मतलब जैसे होता है ना, हम लोग समर वेकेशन पे स्कूल जा रहे हैं स्विमिंग करने ये सब, तो मैं फिर सुबह कोचिंग चला जाता था, फिर मैं सीधे शाम को घर आता था अटेंड करके पूरा. तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी अपनी प्रोग्रेस की. फिर उसके बाद एक होता है ना कि जब तुम एग्जाम में टॉप लेवल अचीव कर लेते हो तो फिर मन करता है उसको अटेंड करने का. मतलब लाइफ में तुम ऐसा ही होता है ना कि अगर तुम कोई चीज़ अचीव कर लियो तो फिर उस पर मेंटेन करना है. तो बस फिर वहीं से मेरा मन कर गया, फिर वो चलता ही रहा. फिर तो अप्स एंड डाउन्स आते रहे 11th 12th में, तुम भी थे साथ में देखते रहे हो. अप्स में SRY सर मजे लेते थे और डाउन्स में SRY सर मजे लेते थे और फिर डंडे मारते थे बहुत ज्यादा भाई. तो मैं तो पर्सनली बहुत मार खाया, लेकिन ऐसे तुम्हारा वो तो देखा है भाई. सुबह सुबह 8:30 बजे क्लास है, लेट आ रहे हो, रात खा रहे हो. एक बार यार लेट आए थे. अरे एक बार क्या हुआ, लाइक मैं लिटरली मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट लेट था, पूरी क्लास के लिए मुझे बाहर खड़ा कर दिया. अच्छा हाँ, और लड़कियों को अंदर आने देते थे, पता नहीं क्या था, बड़ा खराब लगता था. लड़कियां रेयर ब्रीड होती है ना, रेयर ब्रीड होती है उनकी, तो एक भी क्लास नहीं मिस होती है. क्योंकि भाई हमारे यहाँ पता नहीं क्या सीन था. अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी कोचिंग की लड़कियां तो सीरियस नहीं थी मोस्ट जो मैंने देखी भाई. भाई मतलब मैं बताऊँ, एक तो पूरे बैच में 6 लड़कियां बस, उससे ज्यादा नहीं. एक बेंच में समा जाती हैं सारी, पूरे बैच में सब लड़के बैठे, 6 बेंच वाली लड़कियों की है और इतनी परफेक्टली अलाइंड है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ नहीं बैठ पाएगी, और कोई लाइक कोई लड़का लड़की के साथ नहीं बैठ पाएगा. ये तो अलग ही सेक्सिज्म चल रहा होता है भाई कोचिंग क्लास में. मतलब मैं जानता हूँ ना, पूरी क्लास भरी हुई है, ठीक है, लौंडे एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं और 6 घंटे बैठना तुम्हें उस क्लास में, लेकिन सामने वाली बेंच पे जिसपे एक लड़की बैठी है वहां पे जाके दूसरा लड़का नहीं बैठेगा. मैं तो इसी चक्कर में मेरी बहुत बार लड़ाई हुई है. अच्छा हाँ, मैं SRY सर से बोलता था कि सर ये एक लड़की है, इसको पीछे बैठा दिया करो, क्यों पूरी बेंच वेस्ट हो रही है, मैं आगे बैठ जाऊँ, मेरे को सीट नहीं मिलती है, तो बस जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ. जहाँ मैं अपना लेक्चर बचाने की कोशिश में था वहाँ पूरा मिस ही हो गया. पूरा मिस हो गया भाई. सोचो इंसान को पढ़ने नहीं देते तुम्हारे इनग्रेड सेक्सिज्म की वजह से भाई. सोशल कमेंट्री एट इट्स पीक. अच्छा लेकिन मतलब ये तो मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मैं इतना ऐसे जो कल्चरल शिफ्ट आया ना मेरा, भाई मैं 11th 12th कोचिंग IIT की, ठीक है, जहाँ पे समझ लो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, ठीक है, इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, जैसे मैंने तुम्हें बताया इतना डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस की लड़के लड़का लड़की साथ बैठ भी नहीं सकते, और वहाँ से भाई पहुँचे सीधा लिबरल आर्ट्स कॉलेज जहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो रखा है. पूरे तुम्हारी क्लास में ही सिर्फ 10 लड़के हैं, और भाई ऐसा लगता है ऐसी नई दुनिया खुल जाती है भाई इंसान की, कि जहाँ पे लड़का लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं. भाई हमारी कोचिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भाई. नहीं कुछ भी हो तो पहले से पीछे से स्कूल, भाई स्कूल में भी, हाँ भाई स्कूल में भी किसी लड़की से अगर तुम 1 हफ्ते ज्यादा बात कर लो ना रोज, रूमर्स फैलाने लगते थे भाई लड़के. भाई हर जगह ये सिनेरियो था भाई, पता नहीं हम लोग की ऐसी चाहिए ही, हम लोग ऐसे उसमें. तो भाई ऐसे इतना कल्चरल शिफ्ट आया मेरे अंदर, मैंने देखा वो मुझे भाई ऐसे थोड़ा डाइजेस्ट करने में लगा टाइम. मैंने कहा अच्छा यहाँ चीज़ें ऐसे मतलब ये चीज़ थोड़ा ब्लेसिंग है कि ऑनलाइन था मेरा कॉलेज, तो मैं कहा कि भाई अब थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला अपने साथ, वरना तो भाई मैं पहले 2 महीने क्या गंदा ऑकवर्ड होता भाई बर्बाद. पर अब सिनेरियो मतलब अब जैसे मतलब अब ऐसा लगता है वो सिनेरियो इमेजिन नहीं होता जहाँ पे तुम किसी लड़की से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो लड़की है, जबकि ऐसे लोग हैं. हाँ और मेरे कॉलेज में तो ऐसे बहुत तुम तो जानोगे भाई, तुम तो मतलब तुम्हारे कॉलेज का क्या सीन है वैसे, तुम्हारा मतलब भाई तुम्हारी और मेरी वही है ना कि इतना कल्चर डिफरेंट है, वहाँ क्या सीन है, कोचिंग से कितना डिफरेंट है?
कोचिंग से यहाँ पर तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा मतलब सही है। कोचिंग में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब तुम देखी हो जैसे लड़कों और लड़कियों को एकदम ही सेपरेट रखते थे। यहाँ कॉलेज में ऐसा कोई सीन नहीं है, बस यहाँ पर अब हैबिट क्या है कि एक अगर स्टूडेंट है जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, वो एकदम एक तो पहले तो वो आइसोलेट हो जाता है सब चीज़ों से, इंटरेक्शन से, सोशल चीज़ों से। तो अब उसको जब फैसिलिटीज मिल रही है तो वो यूज़ नहीं कर पा रहा है कि मतलब कैसे मैं इंटरेक्ट करूँ लड़कियों से, और जो बीच में गैप आ गया है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने ऐसा देखा, कुछ लोग बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तुम तो हो ही चैट अपने हालात के, तुम नहीं तो यार मोस्ट वांटेड। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ये कोचिंग वाले करते क्यों, ये क्या रीजन है भाई कि तुम, एक तो मतलब एक 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 मैं समझता हूँ कि भाई कोचिंग में तुम लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, लेकिन ये उसके ऊपर एक और लेयर है क्या कि तुम लड़कियों से बात नहीं कर सकते, लड़के लड़कों से बात नहीं कर सकते, या भाई लड़के लड़कियां साथ में बात करते तो टीचर भी घूरने लगते थे, मुझे तो याद है भाई वो SSY भाई, उस अगर भाई वो लड़की से बात करता देखेगा तो तुम्हें छेड़ेगा भाई। भाई मुझे टीचर मुझे इतना पसंद था भाई इसलिए। हाँ यूज टू कॉल अस पोंगा ऑल द टाइम। पोंगा भाई, उसको भाई उसको याद है, उसको मैंने क्लास में पूरे क्लास के सामने बैल बुलाया था भाई। भाई वो तो डोरेमोन लगता था बूढ़ा भाई। भाई नीले रंग की शर्ट भी पहन के आ रहा भाई। हाँ पर क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों होता है भाई कि भाई तुम लड़कियों से बात नहीं कर सकते, लड़के लड़कों से बात नहीं कर सकते। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है कि मतलब लड़का लड़की से बात करेगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा, ऐसा माना जाता है कि डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते भी ऐसा कि लाइक पेरेंट्स चाहते हैं, टीचर चाहते हैं कि बच्चा अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी दे, लेकिन नहीं, उसको बाबूश होना करना है तो फिर उसका रिजल्ट डाउन डाउनफॉल ले लेता है फिर, ऐसा माना जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे करते भी हैं। हाँ, वो तो है, हमने देखा है। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ठीक है मैं मैनेज कर लिया। IITian भाई, IITian हो गए हो तो तुम, कोई आपको कोई वो नहीं है, बोर्ड नहीं है भाई। अच्छा, जिसको नहीं पता, 7 तक IITian है, ठीक है कोई बात नहीं। और मतलब यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, इसलिए वो यहाँ आ जाए। मतलब मजाक कर रहा हूँ, सच नहीं है कोई, नहीं ठीक है। क्वालिफिकेशन पर वाला पार्ट सच नहीं है, हाँ यार ये लेकिन तो देखो, हाँ वैसे ये बात तो है, लेकिन भाई ऐसा लगता है कि मैं क्या बच्चों की तरह ट्रीट करा जाता है हमको स्कूल। तब तुम एक लाइक ठीक है, तुम एक एक्सटेंड तक समझते हो कि तुम्हारा इनफैक्ट 10वीं के बाद बंदे में दिमाग नहीं आता क्या, बच्चे में, कि भाई वो उसको पता है कि किससे बात करनी है किससे नहीं करनी, और मतलब क्या इन्फ्लुएंस कैसा है, कि भाई मतलब देखिए सी आई मीन आई एक तो मुझे दिखता है ये सालों का कल्चरल डिप्रेशन है जो कि ऐसी चीज़ों में मैनिफेस्ट होता है कि स्कूल में बात नहीं कर सकते, कोचिंग में बात नहीं कर सकते। पर उस मामले में जैसे हम लोग का स्कूल उस मामले में काफ़ी चिल था, टू बी ऑनेस्ट अपने स्कूल में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, DPS में इतना उतना सीन नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत रहा होगा, ऑब्वियसली गर्ल्स वुड नो बेटर, बट स्टिल इट वॉजेंट लाइक कि अगर लड़का लड़की साथ में बात कर रहे हैं या साथ में बैठे हैं तो कोई सीन हो रखा है। कोचिंग में ऐसा लगता है ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, स्पेशली IIT कोचिंग में, इसलिए कि भाई तुम चाहे अपने हाथ पैर चाहे लंड सब बांध के रखो 2 साल और सिर्फ पढ़ाई करो। ये तो होता है कोचिंग में। ये बताओ कि तुम्हारा कोचिंग से तुम्हारी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, अब तो निकल गए हो तो ओवरऑल क्या ओपिनियन लगता है तुम्हें। कोचिंग में मैंने काफी सारी चीजें फेस की हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो कोचिंग, एक तो पहली बात मेरे जो प्लान्स थे फ्यूचर के उसको थोड़ा शेप दिया उसने, और दूसरी बात जो मेरी हार्ड वर्क थी उसको उसने स्मार्ट वर्क में बदला पूरा।
और तीसरी चीज मेरे को पता चला अच्छा कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, किसको मैं फेस करने वाला हूँ। नहीं तो मैं एकदम अननोन था, मुझे लग रहा था कि सिर्फ 100 बच्चे हैं उसमें मैं अच्छा करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ फिर जब मैंने देखा ट्रू, कि 100 नहीं है, 10 लाख है, तब मेरी दस फटी, तब लाख मुझे है पढ़ना पड़ा। और धुरंधर बैठे हैं तुमसे बड़े बड़े, हाँ तुम मुझसे अपनी बहुत क्लास ज्यादा 95 पढ़े। लगे खुश हो रहे हो। हाँ एक बंदा है जो 100 लाख के भी अपने सेंटर में 10th AIR ला रहा है, क्योंकि बाकी 9 के भी 100 आए हैं। सौ आए हैं हाँ तब झटका एग्जैक्टली। लगा मुझे। हाँ भाई ऐसा लगता है कि मतलब तुमने तो फिर भी 9th में ज्वाइन किया तो तुमको शायद थोड़ा थोड़ा धीरे लगा ये झटका। मैंने 11th में ज्वाइन किया और भाई मुझे तो ये थप्पड़ की तरह पड़ा भाई, थप्पड़ की तरह भाई। तुम्हें तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोग कहते हैं कि सिद्धांश तो IIT जाएगा, सिद्धांश तो IIT जाएगा, सिद्धांश की कोचिंग में आके देखो, सिद्धांश से बड़े बड़े धुंधे बैठे हैं जो कि IIT नहीं पहुँच पाए। मतलब भाई मैं तो जानता हूँ ना, मेरी कोचिंग में मतलब इवन मेरी रैंक बताती है, बताती थी कि 50% बच्चे मुझसे बेटर हैं इस पढ़ाई में, वो सारे IIT में नहीं है। तो मतलब इट्स लाइक दैट। तो हाँ और क्या हुआ, क्या और क्या पता चला? और बाकी थोड़ा सा क्या बोलूँगा, एज इफ अभी कुछ रिकॉल ही नहीं हो पा रहा कोचिंग का, एकदम गायब सी हो गई है। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। देखो मुझे सी मैं ही बताता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम इंजीनियरिंग, तुमने इंजीनियरिंग की तैयारी करके फिर तुमने लिबरल आर्ट्स किया, तुम्हारी 2 साल की कोचिंग बर्बाद हो गई। और मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी कोचिंग बर्बाद हुई, क्योंकि मेरी थिंकिंग डोमेन डिपेंडेंट नहीं है कि भाई अगर मैं IIT की कोचिंग करी और मैं IIT नहीं पहुँचा तो मैं कोचिंग बर्बाद कर गया। भाई लिटरली मैंने कोचिंग में बहुत सीखा है, और अगर मैंने कोचिंग में अगर मैं 2 साल कोचिंग नहीं करता ना तो मैं आज वो इंसान नहीं बनता जो मैं हूँ। तो वो एक एक पार्ट तो मैं क्रेडिट देता हूँ टू सम एक्सटेंट, ठीक है? क्योंकि भाई तुम सोचो ना कि तुम अगर चाहे मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे तुम रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अगर दिन में 16 घंटे काम करना आता है ना तो तुम दोनों चीज़ें कर लोगे। भाई मेरे मुझे कोचिंग ने मुझे सिखा दिया कि गांड कैसे घिसते हैं, कैसे तुम अपने स्कूल से थक के हार के वापस आओगे 3 बजे, 3:30 बजे तुम तैयार होके कोचिंग के लिए निकलोगे, फिर तुम 9 बजे वापस आओगे, 1.5 घंटा आराम करोगे, खाना खाओगे, उसके बाद भी तुम सोने नहीं जाओगे क्योंकि SRY सर ने होमवर्क दिया है, GNR सर ने होमवर्क दिया है, एक्सरसाइज 1 और 3 करके आनी है, फिर तुम बैठोगे 2 बजे तक, और अगले दिन फिर 6 बजे उठोगे क्योंकि स्कूल जाना है। भाई मतलब मैं तो बताऊँ ना, मैंने जैसे लोग कॉलेज में विटनेस करे हैं या हर इवन नॉट एग्जैक्टली कॉलेज, हर जगह, क्योंकि मैं तो अब काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, लोगों की कैपेसिटी होती ही नहीं है भाई कुछ करने की। भाई हम लोगों ने दिन तो बहुत अपनी डेवलप कर में ली थी, चार एकदम फुल पोटेंशियल पे पूरा हाँ हार्डवर्क करे थे 2 साल। वही तो भाई, मतलब हम लोग बैठ भाई मतलब ऐसे मैं उस दिन बैठ एक दिन मैंने बैठा था कुछ टाइम पहले रजिस्टर की गड्डी बनाने, भाई इतने रजिस्टर पता नहीं इतने ऊपर तक रजिस्टर भर गए मेरे, कम से कम 10-12 रजिस्टर 2 साल की सिर्फ मैथ्स की, और वो सिर्फ 2 साल की थी, और मैंने उसके बाद से आज तक एक रजिस्टर नहीं भरा होगा लिखने में जब मैं सिर्फ टाइपिंग करता हूँ। तो भाई डार्ट सेंस कोचिंग काफ़ी मैड थी, दूसरा भाई मेंटली काफ़ी टफ एनअप कर देता था तुमको, हाँ वो तो है, तुमको बहुत मतलब ज्यादा अगर मेंटल प्रेशर से तुमको गो थ्रू होना रहता है कोचिंग में। हाँ तुम और नहीं मतलब चाहोगे कि तुम्हें तुम्हारा तुम्हें बगल अगर वाला सारे आंसर्स दे, तुम चाहोगे कि मैं क्यों नहीं हूं ऐसा, वो दिमाग में बन जाता है, तो हाँ फिर तुम अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करने लग जाते हो। वैसे तुम्हें लाइक जैसे मेरा मेंटल प्रेशर और तुम्हारा मेंटल प्रेशर तो थोड़ा सा एक सेंस में तो अलग होगा ही, क्योंकि तुम जो एलीट बच्चे थे उसमें थे तो तुम्हारा एक सेंस ऑफ एडेड मेंटल प्रेशर था। वो कैसा था? जैसे एक तो मेंटल प्रेशर होता है जो हम सबके अंदर ऑलरेडी होता है कि यार तुमने आज होमवर्क नहीं किया, तुमने आज DPP नहीं लगाई, तुम्हारे DPP के 4 आंसर जो तुमने सोच रहे थे सही हो गए, वो भाई DPP के आंसर गलत होते तो इतना दिल टूटता था ना भाई, क्योंकि तुम्हें जान हाँ लगा के वो मैं DPP करो, उसके बाद तुम्हें पता चल रहा है आंसर D नहीं A था, या आंसर ABC था तुमने D मार्क करके चले आए हो, तो इतना वो तो दिल टूटता था ना भाई कि तुमने इतनी मेहनत से अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, GNR सर आके गए तुमसे आंसर गलत है बाबू,
देखो तो मेरे को जो दिक्कत वो तो थी, होता भी ऐसे था, हम लोग कॉन्फिडेंस से आंसर देते थे और गलत होता था भाई, जो बेइज्जती भाई। और भाई ये तो हंसने वाली जनता थी, ये तो हंसने वाली जनता थी। ऐसा नहीं जैसे और इन्वायरमेंट्स होते हैं, वहां तुम गलत आंसर दो तो इन्वायरमेंट सपोर्टिव होता है, ठीक है कोई बात नहीं। ये बहन ऐसा जो कुछ हंसते नहीं थे भाई तुमसे क्लास के बाद आके बोलते थे कि ये और फिर आंसर टॉन्ट कैसे भी आया मारेंगे तुम्हारा, क्लास ओवर मुझे होने के अपना मेथड बाद। दिखाओ। हाँ, मुझे मेथड दिखाओ अपना। अरे भोसले की यहाँ गलत किया तुमने। हाँ बताओ। तो मेरे को तो पहले तो ये था कि मेरे को अपनी पोजीशन मेंटेन करनी कोचिंग में, दूसरा ये था कि जो मेरा ग्राफ है वो कांस्टेंट ग्रो करे, और बाकी तो बस वही डेली का होमवर्क वोमवर्क जो भी मिल रहा था वही पूरा करते चलना है। क्लास में अच्छे बच्चे बन के बैठे रहो, फिर जब यही था सब मेरा। अच्छा, लेकिन जैसे तुम्हारा क्या ऐसा ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा फ्लॉड सा सीन है कि सार्थक जो है वो अच्छे बच्चों में से है क्लास के, लेकिन उसको टेंशन किस चीज की है? अपना ग्राफ मेंटेन करके रखने की। उसको टेंशन ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, मतलब लाइक तुम्हारी मोटिवेशन टू अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनानी इससे नहीं आ रही कि यार मुझे ये करना पसंद है। तुम्हें मेंटल प्रेशर किस चीज़ का है? मुझे रैंक रैंक मेंटेन करके रखना है हाँ, भाई। क्योंकि तो जेई ऐसा एग्जाम है जिसमें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी रैंक मैटर करती है, तो तुमको जो तरीका सही मिले हाँ, जिससे तुम्हारी रैंक पुश हो सकती है तुम वो करो। कुछ बंदे होते हैं रट के जाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस 2-3 आने वाले हैं तो वो कर ले जाते हैं, उनकी रैंक वैसे चली जाती है। बस वही है, एट द एंड ऑफ द डे ओनली योर रैंक मैटर्स। हाँ तो यार मतलब वो तो एग्जैक्टली सही बात है यार, कि मतलब जैसे क्योंकि मेरा क्या था ना, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कोचिंग में जाके भी कि ये भाई ये गेम ना, ये गेम्स जहाँ पे मेरी मोटिवेशन ही फ्लॉड है वो गेम मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। मैं पर्सनली मैं कहूँ भाई अब मुझे समझ नहीं आ रही चीज़, मतलब मुझे अब जाके वो चीज़ बातें रियलाइज़ होती हैं कि भाई जब मैं कॉन्सेप्ट को विजुअली ग्रास्प नहीं कर पा रहा था तो। और यार मैं ना काफ़ी अथॉरिटी रिजेक्टिंग टाइप का आता हूँ। हाँ मैं कहूँगा भाई जेई वाले मुझे रैंक देंगे, भाग मैं ही ले रहा हूँ उनकी रैंक, माच डाले उनकी रैंक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनके नंबरों से। मैं वैसा बंदा हूँ भाई, मैं लेजिट, मतलब इवन कॉलेज कॉलेज भी हो या कोई भी हो, मैं कहूँ भाई ये बताएंगे मुझे कि मेरी वर्थ क्या है, हटाओ। और मतलब ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है कि मुझे क्योंकि मुझे पीसीएम आती नहीं थी, मैंने कह दिया जेई वाले चूती हैं। पर एक एक सेंस एक सेंस वो भैया हमेशा भैया थी, हमेशा थी मेरे भाई, नहीं फर्क पड़ता मुझे। बट हाँ ऐसा नहीं, मुझे फर्क पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग में जिस एनवायरमेंट में तुम रहते हो उस एनवायरमेंट में अगर तुम जाके बोल दो ना कि आई डोंट गिव अ फक, तो भाई तुम पे 10 लोग चढ़ जाएंगे। तुम बोल सकते तुम परेशान क्यों नहीं हो भाई, मैंने तो लेजिट देखे हैं ना वहीं से लड़के मेरे जब नंबर कमाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं अगले में आ जाएंगे। दे लाइक तुम्हें नहीं पता क्या कि कैसे ये होता है वो होता है, तुम इतने पीछे रह गए इतना पीछे रह गए। तो ये अच्छा ये चीज़ तुम्हारे ग्रुप में भी होती थी कि तुम्हारे ग्रुप में दस हाँ लोग सपोर्टिंग थे? नहीं, मेरे ग्रुप में भी ऐसा होता था क्योंकि अब मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मतलब बस एक ही मोटिव ही था बचपन से कि हाँ मेरे को आईआईटी जाना है। जैसे तुमने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोल देते हैं कि किसी चीज़ को बचपन से चाहो, अगर नहीं मिलता है तो टाइम लग जाता है उसको निकलने के लिए, बस वही हाँ है। तो बंदा अपनी लिमिट पूरी मतलब 100% पोटेंशियल के साथ वो कोशिश करता है कि वो हर एक टेस्ट में एस करे, अब और वैसे ही मेंटेन करे रहे सारे जितने भी AITS होते हैं हमारे, क्योंकि वो नहीं चाहता और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, वैसा दिमाग में बना के चल रहा है। कुछ के अंदर होता है, कुछ के पास फाइनेंशियल एड्स नहीं होती हैं, तो लोग बस अपना यही कोशिश करते हैं कि जो भी पेपर आ रहा है मैं बस उसमें अपना बेस्ट हूँ। और उसको फिर वो अपना वो पेपर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं
और फिर अपनी सेल्फ वर्थ और फिर उसी को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों पे। हाँ देयर लाइक कि भाई मेरे लिए तो ये मेरी ज़िंदगी है और तुम इस चीज़ में अच्छा नहीं कर रहे हो और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ये गलत चीज़ है, तुम्हें शायद पता नहीं है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं ये तो गलत चीज़ है तो कि लाइक हाँ ऑटोशी। बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई एग्जैक्टली ना, उनको वो कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और वो अपने बायस के अंदर इतने अंधे हो गए हैं, दैट लाइक सबके लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होगी और फिर जब तुम उस चीज़ को कहोगे भगोसड़ी क्या, कहेंगे तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता क्या, मैं बताता हूँ और दुखी तुम और दुखी हो जाओ। तो इट्स लाइक दैट। हाँ और भाई एग्जैक्टली इतनी गलत चीज़ है। क्या हुआ? एक कुछ लोग तो भाई हाँ तो ठीक है अपने, ना। जैसे तुम, हाँ जैसे तुमने बोला कि कुछ लोग अपना इस पर्टिकुलर जेई पेपर को अपनी लाइफ समझ लेते हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि भाई वो एक मेरे लिए एक एग्ज़ाम है जो तुमको एक इंस्टीट्यूट में भेज रहा है, तो वो ना हो जाने से ये नहीं होता कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम वर्थलेस हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एग्ज़ाम है, तुमने नहीं क्वालिफाई कर पाया क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी या जो भी रीजंस हो, लेकिन उसको तुम ये दिन खराब हो कंपेयर, ऐसे सकता है। कंपेयर करो कि ये लाइफ का पार्ट, मतलब लाइफ का एक वो था पार्ट था जिसमें मैं नहीं कर पाया, मेरी लाइफ वर्थलेस होगी, तो ये पूरी गलत थिंकिंग है। इस चक्कर में काफ़ी लोग गलत चीज़ें भी कर लेते हैं, फिर वो नहीं लेकिन उनके लव्ड वंस और फैमिली मेम्बर्स थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे फिर। हाँ भाई मतलब एग्जैक्टली ना वही तो बात है कि पहली बात तो अच्छा तुम बताओ, तुम जितना भी तुमने इतना महीना, एक तो मैं तुमसे पूछूंगा कि जितने भी तुमने टाइम स्पेंड किया है, जो तुम्हें हाइप दी गई थी 4 साल IIT की, क्या उस हाइप पे स्टैंड करता है IIT? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ आके मेरे को नहीं ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ जो मुझे बोला गया था कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम अब देखो, पहली बात तो मेरा कैंपस जाना हो नहीं पाया, तो लाइफ ऐसे ही झंड मेरी, ठीक हाँ है। और दूसरी बात भाई कॉलेज वो तो हम में दोनों रिलेट कर लें उस बात पे। दूसरी बात इधर का जो मेरे को लगा था कि एक अलग ही लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेंगी, वैसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। लाइक मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, वो भी नॉर्मल मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, तो उनसे बात किया मैंने, तो ओवर एंड ऑल सबका सिलेबस सेम ही है, सबके टीचिंग मेथड सेम है, तो एज इफ मुझे कोई डिफरेंस ज़्यादा दिखा नहीं। बस थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ का होता है वो, तो अगर अब ऐसे तो तुम MIT चले जाओ तुमको बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो वो कोई मतलब नहीं कंपेयर करने का। हाँ वही तो, तो मैं अगर एजुकेशनल ले, फैसिलिटीज़ नहीं तो मैं और भी बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। हाँ तो वही सब है, एजुकेशन तो मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगी, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मुझे कोचिंग की एजुकेशन ज़्यादा पसंद आए। अच्छा हाँ बिग स्टेटमेंट ब्रो। आई मीन किस सेंस में, लाइक PCM? अभी तो PCM ही पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। हाँ यार वो तो मतलब हम लोगों ने कोचिंग ऑफलाइन करी थी और हम कॉलेज ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मतलब वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन में भाई बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है ना, क्या ही बताऊँ भाई। जैसे बता रहे थे भाई लैब भी कोचिंग ऑनलाइन हो में, गई थी, तो मतलब हाँ कोचिंग में ये था डिफरेंस कि कोचिंग में हमें कॉन्सेप्ट्स बताए जाते थे अच्छे से, कॉलेज में आके हमें सिर्फ टर्म्स बताए जाते हैं बस, बाकी तो मैं खुद से अच्छा पूरी एजुकेशन अपनी ले ली। हाँ कोई उतनी ज़्यादा डीप डिटेल नहीं होती, बस ये टर्म आज इंट्रोड्यूस हो गया, कल दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बाकी तो मैं खुद से पूरी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ दिस इज लाइक बनती नहीं। इंडिया टॉप टॉप इंस्टीट्यूट IIT है ये, तो आई मीन सोचो। तो मतलब एक तो यार ये बात हो गई, एक तो हमने ये चीज़ एस्टैब्लिश कर ली कि IITs आर नॉट एग्जैक्टली, देखो एक एक हाइप होती है IITs की, क्योंकि होती है मतलब तुम एट द एंड हो इंडिया के बेस्ट कॉलेज में, इंडिया के टॉप, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में हो, तो उसके एडवांटेजेस हैं, मैं ये नहीं हाँ कहूँगा नहीं है, पर जो तुम्हें बेचे जाते हैं ना, जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कोचिंग वाले तुम्हें बेचते हैं ना IIT के नाम पे, वो IIT नहीं है।
और उस तुम सार्थक ने बता दिया भाई, तो पहले तो तुम ये जान लो कि वो चीज़ नहीं है। दूसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है ना ये आईआईटी एस्पिरेंट्स के साथ या इवन किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले एस्पिरेंट्स के साथ, इनकी आईआईटी या इनकी आईआईटी जेई, इनकी सीए, इनके एमबीबीएस, इसके बाद लाइफ ही नहीं होती। मतलब इनसे पूछ लो दिन में क्या करते हो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, कोई और हॉबी इंटर कोई और हॉबी कोई और इंटरेस्ट, और भाई क्या करते हो, भाई मैं इरोडो लगाता हूँ, भाई लिटरली मैं पूछ रहा हूँ एक दो लोगों से कोचिंग में, और भाई क्या क्या किया छुट्टी में, भाई मैं तो एच सी वर्ग में भाई, मैं तो इरोडो भाई, मैंने कहा बोल के कुछ और बता दे, कुछ और बता दे, तूने कोई खाना खाना घूमने नहीं सीखा, जाता, तूने सब इरोडो तूने लगाते हैं। तू घूमने चले जा, तू घूमने जाता है, तू तेरा नानी का घर है क्या, तू तेरा मतलब भाई तू स्विमिंग विमिंग आती है तेरे को भाई। और मतलब उस सेंस में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि भाई वो 2 साल में मैंने भाई एक तो मतलब देखो पढ़ाई में मैं यार कहूँगा कि मैंने अपना एक लेवल बेस्ट दिया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कमी छोड़ी, मतलब इतनी देखो क्योंकि हो ये होता है कि इवन जो मैंने कमी छोड़ी, ऐसा नहीं कि मैंने कमी को वो टाइम वेस्ट किया जाके कर, इवन अगर मैं वो कमी कैचअप करके कर लेता, आई एम नॉट आई डोंट थिंक आई वुड बी इन एन आई आई टी, आई एम श्योर अबाउट दैट, मैं आई आई टी में नहीं होता, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वो जगह छोड़ के वहाँ पर कुछ और चीज़ें डेवलप करी, कि जब मुझे आई आई टी ने या विट्स ने कहा ना कि तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तुम हमारे लिए नहीं बने, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास और चीज़ें हैं देखने को। और तुम अच्छा तुम मुझे बताओ साथ कि तुम्हारी तुम्हारी लाइफ में और क्या क्या था 11th 12th में या 9th से 12th तक में? 9 से 10 तक तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि अब जैसे कि मेरे को नॉलेज मिल रही थी, तो मेरी बस ये दिमाग में था कि मैं कितना ग्रास्प कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता रहा। मैं 9th में जब था तो मैं 10th का पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत 11th का भी पढ़ रहा था, फिर जब 10th में आया तो थोड़ा बहुत 11th का पढ़ने लगा, फिर बाकी इन सबको टेस्ट करने के लिए मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता रहा, जैसे NTSC हो गया, RMO हो गया, तो ये सब मैं देता गया, क्वालिफाई होता गया। तो एक मतलब होता ना कि तुमने मेहनत की एक सर्टेन लेवल तक, वो प्रूव हो गया कि तुमने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो होप बनी हुई थी कि हाँ जो फाइनल एग्जाम मेरा JEE है वहां तक मैं जा सकता हूँ। फिर 11th 12th में आया, अचानक इतना सिलेबस, जैसे तुम देखे ही हो कि झटका लगता है पूरा, वो लगा। फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, नीचे चली गई। फिजिक्स की 2 बुक, केमिस्ट्री की 2 बुक, हाँ फिजिक्स मुझे बहुत पसंद थी, फिर चली गई। फिर जब रोटेशनल मैकेनिक्स आई, मेरा फिजिक्स में वापस इंटरेस्ट आया, मैं वापस से पढ़ने लगा। केमिस्ट्री से इंटरेस्ट गया, मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, मैथ्स तो मेरे को हमेशा से इजी लगती रही। फिर फिजिक्स में भाई वेव मतलब आए। कोई मुझसे बोलता है मैथ्स टफ है ना, कोई मुझसे बोलता है मैथ्स टफ है, मैं कहता हूँ पीसीएम पढ़ के देखो, मैथ्स प्यारी लगेगी तुम्हें, वही मैथ्स मैथ्स टफ आसान नहीं लगने है, लगेगी। मैथ्स बहुत प्यारी चीज है, जो माथा पच्ची हाँ करती भाई है, या तो वो फिजिक्स करती है या तो केमिस्ट्री करती है। यार मैथ्स की माथापच्ची में मजा भी आता है, क्योंकि कम से कम कहीं ना कहीं हाँ पहुंचते हो तुम, तो अरे वही। ये चीज सब। और मतलब मैथ्स के साथ सीनियर मैथ्स इतना प्रोसेस बेस्ड है ना, पूरा सब्जेक्ट, कि तुम जब तक छोटी छोटी चीजें ग्रास्प नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें समझ आएगा ही नहीं, तब तक तुम एक भी सम नहीं सॉल्व कर पाओगे। और अगर तुम सोचो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई तुम इतनी बड़ी इक्वेशन को, क्योंकि हमने देखी है बड़ी बड़ी इक्वेशन, और उसको एक नंबर पे लाके रिड्यूस कर दिया एक नंबर पे, और बहन चो 0 आ जाता था भाई बहुत बार, तो इंटीजर वाले में एक्सरसाइज तो सोचो लेकिन 2 पार्ट 2 वाज़ द लेकिन टफेस्ट कम से एक्सरसाइज। कम भाई एक्सरसाइज टू पार्ट टू एक टाइम पर मैंने कहा ये तो देखेंगे भी नहीं, स्किप ही करेंगे सीधा। पर मेरा पॉइंट ये है कि मैथ्स के साथ सीन ऐसा है कि मैथ्स में जब तक तुम्हें आता नहीं तब तक तुम कर नहीं पाते, और अगर तुम करने बैठ जाओ तो तुम्हें मजा आता है भाई। अब ये मैथ्स की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा भाई सर अच्छे भी थे वैसे पढ़ाते, अच्छा भी थे हाँ बोले नो डाउट, फिजिक्स बट में बस थोड़ा उल्टा हो जाता है, फिजिक्स हाँ में नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। हाँ भाई फिजिक्स, भाई ना फिजिक्स में ना कभी कभी ऐसा होता था कि
प्रोसेस ही नहीं समझ आ रहा भाई, ये कैसे हो गया, हाँ कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ भाई मैथ्स में होता था कि यार तुम वो फॉर्मूला भूल गए, तुम कहीं ना कहीं से उठा के ले आओगे वो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में तो स्पेशली, कैलकुलस में या इन सब चीज़ में तुम ठीक कहीं ना कहीं से फॉर्मूला बना के ले आओगे, जैसे कि भाई फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे, तुम बैठो 2 पेज का डेविएशन करने। तो यार वो तो है, और केमिस्ट्री तो भाई एक पॉइंट के बाद भाई ऐसा लगता था क्या हिस्ट्री पढ़ा दो मुझे, केमिस्ट्री मत पढ़ाओ। भाई मैं 12th में केमिस्ट्री क्लास में सोता था और फिजिक्स क्लास मैथ्स में अटेंड करता याद है मुझे भाई, भाई एक बार हम लोग की साथ में हुई थी, पीछे बैठ के सो रहा था एकदम भाई। और हमारी तो लक भी खराब रहा भाई केमिस्ट्री वाले टीचरों के साथ, बहुत ज्यादा, तीन केमिस्ट्री टीचर बदले अपन, तो और तीनों बेकार ढाई बोल दो पर तीनों बेकार भाई भाई। और टीचर नहीं तो भाई कैरेक्टर थे भाई, तीनों कैरेक्टर थे भाई एक से बढ़कर एक भाई, एक से बढ़कर एक भाई, ऐसी अलग लिंगों में आते थे भाई। अच्छा तुमने वो, अच्छा तुमने वो देखा क्या कहते हैं एस्पिरेंट्स, नहीं अभी नहीं देखा। अभी मैंने भी पुरानी देखा, लेकिन उसमें जो एक बंदा है एसके करके भाई, वो हमारे आखिरी वाले केमिस्ट्री टीचर की तरह लगता है। अच्छा देखना पड़ेगा फिर भाई सही में तो हाँ, मतलब भाई हमारे ऐसे केमिस्ट्री टीचरों का ऐसे एवोल्यूशन होता था भाई, और भाई वो अलग ही राइड थी भाई। मतलब समझ लो अगर मैं कोचिंग पे कंटेंट बनाने जाऊँगा भाई, कोचिंग तो कोचिंग में बस कैमरा रख दो, वो कंटेंट निकल आएगा तुम्हारा लिटरली यार बहुत कुछ होता था, 1 hour 30 minute के सेशन में बहुत कुछ होता बहुत कुछ होता था भाई भाई। एक बार मुझे भाई याद है, मतलब मेरे जैसे ना, मुझे मतलब मेरे जैसे मुझे एक दो लड़के और मिले जो मेरे जैसे हैं, पर उनका कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड है, उनका कॉन्फिडेंस इस बात में मिसप्लेस्ड है कि दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मतलब मैं कहता था आई डोंट केयर अबाउट कोचिंग, वो दोनों याद है तुम्हें, एक लड़के का नाम था विनायक और दूसरे लड़के का नाम था मुझे बैंगा था भाई याद है मेरे को, नाम नहीं याद है याद है मुझे हाँ ये दोनों थे, ये कहते थे हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। और एक बार तुम पता नहीं शायद क्लास में देखी नहीं भाई, वो जो बहंगा था ना भाई, वो सर कोच उसमें लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे, पीछे से वॉशरूम चला गया ठीक है, वापस आके पूछते सर मे आई कम इन, सर पूछते कहाँ गए थे, कहते वॉशरूम, तो पूछ के नहीं गए, तो सर आप पढ़ा रहे थे मैं चला गया। और भाई हमारे टीचर भी इस टाइप के थे भाई, अगर उनको कोई सामने से जवाब दे देना, उनको कॉन्वर्सेशन करने नहीं आती थी क्लास में, क्लास में सिर्फ ऑर्डर नहीं चलते थे उनके, अगर सामने से कुछ बोल दो या तो चुप हो जाएंगे या तो डंडा पड़ेगा। हाँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो उनको आती नहीं थी। नहीं भाई तुम सोचो ना, मतलब भाई मैंने यहाँ अपने कॉलेज में आके टीचरों से बहस करी है बैठ के बकायदा ठीक है, और ऐसे मतलब भाई यहाँ पे ऐसे माहौल बनाया कि तुम टीचर से फ्रेंडली हो भाई, तुम टीचर को नाम से बुला रहे हो। हमारे एक टीचर का नाम था परजन्य जोशी, हम पीजे बुलाते थे उसमें नाइस पीजे भाई, और मतलब पीजे भाई हाँ भाई अब तो चले गए सर पर ठीक है। और मतलब हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर का नाम था अनिरुद्ध, हम लोग एटी बुलाते थे, तो भाई वो सीन तो सही है भाई, कॉलेज में हमारा इतना तुम्हारा टू वे कम्युनिकेशन रहता है, तुम टीचर से डिसएग्रीमेंट में जा सकते हो, डायलॉग कर सकते हो बैठ के, मतलब पूरा मतलब तुम बैठ के डिस्कशन मार सकते हो टीचर से, क्योंकि तुम एक बात पे डिसएग्री कर रहे हो और समझ नहीं आ रही। कोचिंग में तो भाई तुम्हें 3 बार समझाएंगे, चौथी बार में कहेंगे बाबू बैठ जाओ नोट्स बनाओ बाबू। कई बार तो और बहुत ही ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल वे में भी बोल देते थे कि ये क्यों कर रहे हो, यहाँ से जाओ, यू डोंट बिलोंग हियर। मैं देखा है काफी सारे टीचर्स भाई रेज कर जाते हैं, जो वो बहुत ही खराब होता है। अच्छा लेकिन ये चीज का एक ब्रीड है क्या, ये चीज के साइंस में होती है तुम्हारे आईआईटी, मतलब आईआईटी में जो टीचर्स का सीन क्या है,
ये भी कोचिंग जैसे हैं या आर दे मोर लिबरल इन दैट सेंस? कुछ टीचर्स बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं और कुछ टीचर तो एकदम सेम कोचिंग वाला फील देते हैं. जब इंट्रोडक्शन हो रहा था हमारा, कुछ टीचर्स इतने अच्छे तरीके से बोले कि अगर तुम्हें लेक्चर में नहीं समझ आता है तो वी विल हेल्प यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन राइट ईमेल. फिर जब बच्चे को नहीं समझ आया, बच्चे ने लिखा तो उसको घर आ रहे कह रहे कि तुमको ये क्यों नहीं आया, तुमने मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा सिंसियरली, और जब तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आई तो तुम इधर क्या कर रहे हो. तो बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ जाता है ऐसे. लेकिन मैंने फेस नहीं किया लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि एक स्टूडेंट था उसने ग्रुप पे मैसेज किया था सर को, सर ने उसको ग्रुप में गालियां देना चालू कर दी. तो वही है. मैं पता नहीं, ये एक तो प्रॉब्लम ना, एक तो मैं हमें तुम हमेशा टीचर्स को इतना ब्लेम कर भी नहीं सकते, मतलब यहाँ तो दिख रहा है टीचर गलत है, बट इतना सिस्टमैटिक लेवल पे ये प्रॉब्लम हो रखी है ना इंडिया में कि इतने बच्चे हैं, उतने बच्चों के लिए तुम्हारे पास, पहली बात तुम्हारे पास अब एम्पल अमाउंट ऑफ सीट नहीं है, 10 लाख बच्चों में तुमने 20,000 सीट्स क्यों रख रखी हैं? तुम्हारी बेंच ऑफ इंजीनियरों की कमी हो रही है, आईआईटी में सीट बढ़ाओ भाई, सीट बढ़ाओ, टीचर बढ़ाओ, टीचर पे इतना लोड हो रखा है भाई, तो वो भी तुम्हारा क्या कहते हैं, वो अपना बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन बड़े साहब हैं अपने डीन से परेशान हैं, और वो स्टूडेंट पे आके अपनी निकालेगा, स्टूडेंट अलग परेशान हो रहा है। तो मतलब भाई एक तो मतलब ये तो एक तो मेरी इतनी ये प्रॉब्लम भाई, ये पर्टिकुलरली इस साइड से प्रॉब्लम है मेरी कि तुम्हारी इतनी बड़ी, तुम्हें भाई फैक्ट्री बना रखी है, चलो तुम्हें बनानी है फैक्ट्री तो बना दो, लेकिन भाई चला तो लो उसको अच्छे से, तुम्हारी फैक्ट्री चल भी नहीं रही है, खराब हो रखे, पुर्जे बर्बाद हो रखे हैं उसके, अब तो मतलब कुछ कर लो। तो भाई तुम आई आई टी हो ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहा नहीं, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जब तक सच बोल रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो एक चीज़ है कि इतनी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इस चीज़ में तुम अच्छे हो ना, अगर तुम्हारे लिए चीज़ जेन्युइनली बनी है तो तुम कर सकते हो। मतलब ये थोड़ा, मतलब मैं इसको और थोड़ा नुआंस करूँगा, लेकिन तुम लेकिन अगर जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बनी है तो उसमें अच्छे होने चाहिए, और अच्छे मतलब तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए इन द एग्जाम्स दैट मैटर। अगर मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि तुम आईआईटी के लिए शायद बने हो, तो तुम एनटीएससी निकालो, जैसे सार्थक में निकाल देता हूँ 10th में, क्या है तुम बोर्ड एग्जाम की बात मत करो, तो वो तो मतलब है। और मेरा तो यार टू बी ऑनेस्ट लाइक एक पीसीएम के अगेंस्ट थोड़ा काफ़ी कैसे कहूँ, एक मेरा जनरल अगेंस्ट स्टांस रहता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे जैसे लोग पीसीएम में घुसते हैं, और उनके लिए उनके लिए मेरा स्टांस पीसीएम के अगेंस्ट रहता है। मैं कहता हूँ सोच लो थोड़ा, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूँ सोच लो, क्योंकि यार है नहीं सबके लिए पीसीएम, तुम बताओ। हाँ, क्योंकि देखो पीसीएम जैसी स्ट्रीम या पीसीबी जैसी स्ट्रीम में तुमको अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने हैं. रेशियो ऐसा है कि 10% तुम्हारी टीचर्स हेल्प करेंगे, बाकी 90% यू आर ऑन योर ओन. तो अगर तुम केपेबल हो वो 90% एफर्ट डालने के लिए, तभी तुम पीसीएम या पीसीबी जैसी स्ट्रीम लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है इंडिया में और सीट्स तो बढ़ ही नहीं रही. तो ये जो अजीब सा रेशियो बना हुआ है एक स्टूडेंट और एक सीट का, लिटरली 1:2 आई गेस 1000 या 100 समथिंग होगा. तो अगर तुम सोच सकते हो कि मैं 100 बच्चों में से एक बच्चा हूँ जो वो सीट डिजर्व करता हूँ, तो आई वुड से कि तभी तुम पीसीएम या पीसीबी ऑप्ट करो. हाँ, और नहीं, और ये जो तुम्हारा थॉट है डिजर्व करने वाला या एफर्ट वाला ना, ये भी हवा से नहीं आना चाहिए कि तुमने अपने आप को हाँ एकदम सुबह वही. उठ के बोल दिया कि मैं वो 100 डिजर्विंग में से एक बच्चा, या मैं हूँ जो 90% एफर्ट डालूंगा। नहीं, तुम्हारे पास उसकी कुछ ना कुछ बैकिंग होनी चाहिए 10th से पहले। मतलब एक जनरल अगर मुझे एडवाइस देनी होगी ना, तो मैं उसको कहूँगा कि यार अगर तुमने बचपन से ओलंपियाड टॉप किए हैं, तुमने अगर नेशनल लेवल के एग्जाम्स दिए और उसमें अच्छा किया है, तो ही तुम्हारे लिए पीसीएम सही है।
नाउ अब मैं जानता हूँ कि ऐसे और भी एक दो लोग होंगे, बहुत एक्सेप्शन, जिन्होंने 10th तक कुछ नहीं किया, 11th 12th जाके फाड़ा है, हाँ जिनके लिए ऑब्वियसली तुम्हारे सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं कि तुम भी कर सकते हो. लेकिन yeah. मैं तुम्हें यहाँ बैठ के सच्चाई बताता हूँ, उनकी वीडियोस पे जितने भी व्यूज़ होते हैं ना, उसमें से मुश्किल से 1% लोग कुछ कर पाते हैं. और ये सच्चाई है भाई, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट इट्स द ट्रूथ. एंड मैं अपने चैनल पे सच ही बोलूँगा, मैं तुम्हें फॉल्स होप नहीं देके जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी थी वो फॉल्स होप एक बार पर. मैंने लकीली वो चीज़ टाइम से रियलाइज़ करी, और मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं सीन. तो हाँ यार, यार क्योंकि यार हमने देखे हैं यार कोचिंग में ऐसे ऐसे लोग होते थे भाई, जो अब बुरा लगता है भाई, तुम बताओ ना, जो नहीं. और मतलब मेरी तो कुछ लोगों से अभी भी टच में हूँ भाई, उनको पता है उनके लिए नहीं है चीज़, उनको दिख रहा है, लेकिन या तो वो इतना डीप उसमें घुस चुके हैं कि भाई इतने साल दे दिए, अब और क्या करेंगे, तो मीडियोकर लेवल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या तो उनके पेरेंट्स का प्रेशर है. तो कुछ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इस बात को ईगो पे भी ले लेते हैं कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे हो जाना चाहिए, मुझे प्रूव करना है अपने आप को. वो बस एक एग्ज़ाम है, ये बात बंदों के दिमाग में घुसती नहीं है, बस उसको एक तरीके से बस समझ लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँगा, मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँगा. इस चक्कर में जो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं उस टाइम की, वो सब को वो सब खो देते हैं. और फिर लास्ट में क्या बचता है, एक प्राइवेट कॉलेज गंदा सा, या फिर एक कॉलेज जहाँ पर मुश्किल से हार्डली जो तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज जा रहा है वो 1 लाख या 5 लाख जा रहा है, जहाँ पर वो बंदा अपनी फील्ड पे जाके या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके अराउंड 30-40 लाख आराम से पा सकता होता. हाँ भाई एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली भाई ये मतलब, और मतलब इसका एक मतलब, मैं वापस उस पॉइंट पे आऊँगा, तो मैं अपने IIT JEE की दुनिया की बाहर की, जब उससे बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि इसके बाहर भी दुनिया है. क्योंकि यार प्रॉब्लम यही है ना यार, तुम भाई मुझे तो डिस्टिंक्टली याद है हमारे फिजिक्स वाले सर ने क्या कहा था, कि तुमने अगर कोचिंग में पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो तुम पता है कहाँ जाओगे, तुम जाओगे शंभूनाथ और वहाँ पे लगेगी 5,000 की नौकरी. ये अप्रोच देख रहे हो, मैं तुम मतलब तुमने बच्चे को, तुमने बच्चे की दुनिया, भाई वो 16 साल का बच्चा है, तुम्हें अपना गुरु मानता है, तुम्हारी एज अ टीचर चलो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि IIT के लिए तैयार करो, एज एन इंसान तो तुम्हारी एज एन इंसान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो यार, तो द लीस्ट दैट यू कैन डू इज उसको उसकी सेल्फ एस्टीम पर बात मत लेके आओ. टेल देम दैट इट्स ओके. आई मीन मैं जानता हूँ, ठीक है, मतलब आई नो कि तुम उनको टफन अप कर रहे हो, लेकिन भाई वो इंसान है, बच्चे हैं पहली बात तो, 16 साल के बच्चे हैं वो. वो सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे टीचर वॉइस तुमने उनके दिमाग में डाल दिया कि उनके स्कूल के टीचर चूतिया हैं, तुम्हारे स्कूल के टीचर को कुछ भी बोले हैं वो तो कहेंगे भाई कोचिंग के टीचर हमारे सही कह रहे हैं, तो उनकी बात मानेंगे. पेरेंट्स भी भाई तुम्हें कोचिंग वाले उसमें कहेंगे, कोचिंग वाले टीचर ऐसी बातें बोल रहे हैं, तुम भाई ऐसे इंसान तो उसको समझ सकते हो ना. और भाई मतलब मैं और तुम जानते हैं भाई कि IIT के बाहर जो दुनिया है वो IIT से बहुत बड़ी है. तो तुम अगर कोई भी अगर एक जूनियर मेरा देख रहा है ना, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा JEE नहीं होगा, तो पहली बात तो इट्स ओके कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा. जिसका होता भी ना, सार्थक का हो गया था, लेकिन सार्थक खुद बताएगा उसको कितनी बार लगा होगा कि उसका नहीं होगा. मेरे को तो मेरे रिजल्ट तक लग ही रहा था कि नहीं होगा. सच बता रहा मैं. तो ठीक है, पहली बात तो ये चीज मानना ओके है कि तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम समझ लो. लेकिन दूसरी बात, ना मान के अपनी एफर्ट्स डालना बंद नहीं किया मैंने, सबसे मेन बात ये थी. हाँ, वो उस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ, उस चीज़ पे आता हूँ. ठीक है, एक तो तुम ये मान लो कि इट्स ओके कि तुम्हें नहीं होगा. दूसरी बात, एक चीज़ स्टैटिस्टिकली जानो कि 1% चांस है तुम्हारा होगा या उससे भी कम. और ये चीज़ मैं उसको तुम्हें पर्सनल लेवल पे लेने को नहीं कहता, वो एक स्टैटिस्टिकल लेवल है, उसको डी पर्सनलाइज करो. इट्स लाइक सेइंग कि बाहर जाओगे तो 1% चांस है कि तुम पे बिजली गिर जाए. हाँ
उसको वैसे ट्रीट करो, वो एक स्टैटिस्टिकल चीज़ है। तीसरी बात, अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा तुम्हारी फीलिंग इज ओके और देयर इज अ स्टैटिस्टिकल चांस कि तुम्हारा नहीं होगा, नाउ लुक एट योर प्रॉब्लम्स, डोंट स्टॉप ट्राइंग। अब जाओ लॉजिकली अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करो, उसको ब्रेक डाउन करो, अपने पेपर जाके एनालाइज करो, अपने नोट्स जाके एनालाइज करो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब सार्थक तुम बताओ और कैसे कर सकता है, मतलब आई मीन इस पॉइंट पे तुम एक्सपैंड करो कि अगर मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि पहली बात तो इट्स ओके कि मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, दूसरी बात इट्स लाइक स्टैटिस्टिकली कि मेरा नहीं होगा, नाउ व्हाट टू डू, नाउ हाउ टू एनालाइज एंड रेक्टिफाई, थोड़ा टेक्निकल है बट ठीक। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा तो पहली बात तो तुमको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए कि ठीक है मेरा ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं और देखूँ मैं क्या चीज़ एक्सेल कर सकता हूँ, मेरा और किन चीज़ों पे मन लग रहा है, उन चीज़ों पे ट्राई करें वो। और उसके बाद जो चीज़ तुमने स्टार्ट कर दी एक बार, अब लाइक जैसे मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं PCM ले लिए, फिर सॉरी बैचलर कर रहे हैं, ड्रॉप आउट लेके किसी और फील्ड में चले गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम उसको करो, अपना BTech कंप्लीट करो, अपना BA कंप्लीट करो, साइड में जो तुम अपना पैशन जो अपना तुमने स्टार्ट किया या तुमने अभी अभी फाउंड किया है उसको साइड में करके कर दो, फिर जैसे ही तुम्हारी एक डिग्री कंप्लीट हो तो तुम आगे जा सको। क्योंकि लाइफ बहुत ही कुत्ती चीज़ है, अगर मान लो तुम अपना पैशन कर रहे हो कुछ नहीं हुआ तो तुम एक जगह से तो हाथ खोए ही और दूसरे साइड से भी खो गए, तुम क्या हो गए, नल्ला पड़ गए, क्या कर पाओगे आप, कुछ नहीं, बस हाथ में कटोरा मजाक कर रहा हूँ, मैं डिग्री कर रहा हूँ अपनी। हाँ वही, पर एग्जैक्टली भाई ये तो मतलब वो मैंने देखा है ना भाई कि तुम इंसान पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देगा कि यार मुझे तो पैशन मिल गया, मैं तो पैशन एक्सप्लोर करता हूँ, अगर वो एक्चुअली तुम्हारा पैशन है ना तो पहले उसमें पार्ट टाइम में एफर्ट्स डाल के दिखाओ, right. तो उसके बाद जब उस लेवल एक होता है ना, अगर इफ यू आर मोटिवेटेड बाय पैशन तो तुम्हारे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं वो दिन के एक्स्ट्रा 8-9 घंटों की, तुम वो काम 4 घंटों में आराम से कर सकते हो। तो यार वो तो यार बहुत ही स्टूपिड चीज़ है ना, इवन भाई वो लोग भी जो मैंने देखे हैं ना, जो मतलब इवन मतलब अगर इसको तो मैं और बैक ट्रैक करता हूँ, मतलब 11th-12th पे लेके आता हूँ, तुम भाई तुम जानते हो यार था कि मेरा कितने चीज़ों में इंटरेस्ट था 11th-12th में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब मैं अपना बेस्ट देना मैंने कभी नहीं छोड़ा जितना मुझे पता। दैट्स अ गुड थिंग। हाँ तो मतलब आई मीन इतना मैं अपनी बोस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग यार कि तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट क्योंकि वही है ना कि तुम लाइफ के एक एस्पेक्ट से ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सीख रहे हो, तो नॉलेज तो कभी वेस्ट ही नहीं जाती। हाँ नहीं, और तुम अपनी JEE की पढ़ाई से ना PCM के अलावा बहुत कुछ सीख रहे हो। वही हमने से पहले बात करी इस बारे में, कैसे तुम मेहनत करना सीख रहे हो, कैसे तुम मेंटली स्ट्रांग बनना सीख रहे हो, कैसे तुम फिजिकली स्ट्रांग बनना सीख रहे हो, ये सब कुछ सीख रहे हो भाई। तो तुम क्या लगते हो भाई, क्योंकि भाई जिस लेवल पे कोचिंग ने मुझे डिसिप्लिन कर दिया ना भाई, ये और ये चीज़ तुम भी मानोगे भाई। हाँ भाई, छुट्टियों में कौन उठता है सुबह 6 बजे, हम उठे हैं भाई। हाँ, कौन होमवर्क किया है टाइम पे, हम किए हैं भाई। तो कंबल ऐसे चढ़ा भाई, ठंड हो रही है, कंबल चढ़ा के दो हाथ ऐसे निकले, रात के सम सॉल्व हो रहे हैं वहां पे, वो भी अच्छे दिन थे, अब याद आते हैं। हाँ भाई भाई, हाँ वो कुछ भी कहो यार, क्योंकि मतलब हमने मेमोरीज तो फिर भी बनाई है यार, 10th का रिजल्ट आने वाला था, हम वो बैठे बेसमेंट में, झटका लग गया था। आना था 4 बजे, आ गया 2:30 बजे। हम तो बैठे बेसमेंट में, कुछ हम लोग काम कर रहे हैं और फोन आने शुरू हो गए, सिद्धांश नंबर आ गए, सार्थक नंबर आ गए, कॉल नहीं लग रहा, चलो ऊपर वेबसाइट नहीं खुल रही है। वो तो है, CBSE की वेबसाइट हमेशा क्रैश होनी है जब भी रिजल्ट है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। इतनी मुश्किल भाई, इतनी मुश्किल।
फिर जाके ठीक है रिजल्ट मिला, ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत तीर मार लिए, बट ठीक है। लेकिन तुम जैसे ना, मतलब मैं तो थोड़ा 10th के रिजल्ट में थोड़ा वो था, पैशन था, तुम नहीं थे। तुमने कहा था भाई मेरे तो इतना ही एक्सपेक्टेड था, शायद ऐसे कुछ कहा था तुमने। तुम थोड़े कम वो थे, जबकि हमारा बॉल पार्क फिगर थोड़ा सेम ही था, पर तुम्हारे पास लाइक तुम्हारे पास और चीज़ें हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ और ही, तुमने कहा मैं 9th 10th मैंने कुछ और ही किया है, 10th में इतना आ गया बहुत तो मेरा यही लेकिन अप्रोच 12th में भी फिर रही थी। हाँ हाँ मैं अपना बस ये एक्सपेक्ट किया था कि बस मेरा 75% के ऊपर आ जाए, बाकी फिर मौज है। बस मैं उतना भाई सोचो। सोच के चला था, क्योंकि जैसे कि तुमने जैसे अपना आई गेस 12th के मिड में ही अपना ढूंढ लिया था कि तुम्हें क्या करना है, तो जिस फील्ड में हाँ मतलब तुम्हें, ये तो है कि क्या नहीं करना है मुझे ये पता था, इंजीनियरिंग नहीं करनी थी मुझे ये पता हाँ, तो जो फील्ड जिसमें 12th के मार्क्स इन्वॉल्व होने थे, तुमने वो वाली फील्ड इन्वॉल्व चूज की, तो तुमने मेन फोकस अपने 12th के रिजल्ट पे किया, और तुमने बहुत अच्छा किया। तो और मेरा क्या था कि जो जिस फील्ड में मुझे जाना था, वहाँ से एक क्राइटेरिया था कि 75% के ऊपर चाहिए, था। तो मैं हाँ बस उतना हाँ लाके खुश बस था। आगे सोचा ही हाँ, नहीं मैंने और कुछ। कोई जरूरत भी नहीं थी भाई। कौन इवन अभी भी कॉलेज में जाके कोई 12th के मार्क्स नहीं पूछता भाई। नहीं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में कोई भी जेई की रैंक नहीं पूछता, हाँ IIT में तो ये भी होता है भाई, कोई JEE के रैंक नहीं कोई पूछता। रैंक नहीं पूछता, सब एकदम इक्वल ट्रीटमेंट, सब एक दूसरे को गधा बोल रहे हैं, कोई किसी को आइंस्टीन नहीं समझ रहा हाँ है, सबके सब एक ही चूतियों की फौज है, बस भाई ऐसे समझ लो। भाई सब हॉस्टल में एक ही साथ बैठ के एक ही पेपर रोल कर रहे हैं भाई। मतलब भाई वहां पे भाई 500 वाला ही बैठा है, 5,000 वाला ही बैठा है जो पता नहीं कैसे आ गया, पर भाई वो एक ही जॉइंट पास हो रहा है उनके बीच। कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि तुम्हारा काला मेरा हरा, नहीं सब साथ में हो रहा है। बढ़िया टैक्सी चल रही है। हाँ भाई तो भाई वो तो यार इतना यार मतलब एग्जैक्टली ना, तो अगर तुम 11th 12th में और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए IIT बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे लिए JEE बहुत बड़ी चीज़ है, देने के अगले दिन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई। रिज़ल्ट आने के अगले दिन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इतनी बड़ी चीज़ होती है तो सार्थक मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो PCM ड्रॉप आउट हूँ। सार्थक कहता मैं IITian हूँ, तुम तो साले 2 साल भी नहीं पढ़ पाए ढंग से। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है वही तो यार, ऐसे कुछ नहीं है भाई। मतलब भाई। कोई रियलाइज नहीं करता भाई। अब अभी कैसे मतलब क्या ही बात। और मतलब मैं तो यही कहूंगा यार, अगर तुम इवन अभी भी ना किसी भी एज में, स्पेशली 16 से 18 की एज, स्पेशली जब तुम्हें जब जिंदगी पहली बार जब तुम्हें जिंदगी में कोई कुछ बताए ना कि ये चीज ऐसे चलती है, उसको उसकी मुंह पे मत लो, ठीक है। उसका फिगर एक लेके अपने पास रख लो, लेकिन एक बार देखो खुद से जाके भी, एक माइक्रो लेवल पे एक्सपीरियंस करो कि दुनिया कैसे चलती है। क्योंकि क्योंकि देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो तुम्हें बता रहा है ना दुनिया के बारे में, उसके खुद का दुनिया का व्यू बहुत डिस्टॉर्टेड है अपनी, और इवन भाई टाइम डिपेंडेंट है भाई। तुम ये सोचो ना कि भाई मैं और तुम अपने घर वालों को आज, मतलब अब तो चलो इंडिया में क्रिप्टो की डिस्कशन घरों में भी आ गई है, बट 2 साल पहले कैसे समझाओगे बिटकॉइन अपने घर वालों को? नहीं समझा पाओगे ना, उनके लिए तो भाई सब सट्टा है। भाई 18 का हुआ नहीं, सट्टा खेलना चालू कर तो दिया, बस घर पे यही होगा। बस भाई मतलब तुम्हें एक चीज, तुम्हें 2-3 चीज़ें रियलाइज करनी होगी। पहली बात तो किसी के लिए भी, कि तुम्हें जो बता रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। हाँ तुम्हारे टीचर्स भी ना 40-45 साल के हैं, उन्होंने भी एक ज़िंदगी देखी है, उनका IIT नहीं हुआ इसीलिए वो आके आज टीचर बने। राइट। वो तो बेचारे अपनी लाइन बदल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमको IIT मिला नहीं, तो हम भाई दूसरे लोगों को IITian बनते हुए देखेंगे, हम कब बनेंगे भाई। कोचिंग टीचर कक होते हैं भाई। और बाकी कोचिंग टीचर्स का ये भी रहता है कि वो बच्चों को देखते हैं, कि वो भी फिर देखते हैं कि हाँ मैंने भी यही गलती की थी, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बस गाइड करने के हाँ चक्कर में गरिया देते हैं। भाई हाँ हाँ भाई तो हाँ ठीक है। एक सेट तो वो है भाई, तुम्हें
थोड़ा एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, फिर टीचर की बातों को उतना पर्सनल नहीं लेना होगा। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि दुनिया बदलेगी भाई, तुम भाई बहुत कुछ कर सकते हो। आईआईटी में सिर्फ आईआईटी में सिर्फ दो लेटर हैं, बाकी 24 लेटर ऑफ द अल्फाबेट बचे हैं, पकड़ो भाई उनको। तो आई मीन तुम्हें कुछ पूछना, कुछ कहना हो बताओ मेरे को। तुम ये बताओ, जब तुमने इस फील्ड में, जब तुमने मतलब तुमने सोच लिया कि मुझे आना है एकदम अचानक से, लाइक 9, 10, 11, 12 लगभग तुमने मतलब साइंस आईडी था, तो मतलब पेरेंट्स ने भी फिर एक टाइम पे यही सोच लिया होगा ना कि हाँ बच्चा है इंजीनियरिंग करेगा, तो ये पूरा उनका माइंडसेट कैसे चेंज किया तुमने, प्रोसेस कैसे? देखो मतलब इस सेंस में देखो, मैं इस मामले में काफ़ी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने भी ना मुझे कभी बॉक्स नहीं किया उनको। मतलब या मतलब एक चीज़ जो मैं पब्लिकली सबको बताता हूँ, आई मीन एज अ वर्चू भी होल्ड करता हूँ, कि यार अपने घर वालों से ना ज़्यादा चीज़ें मत छुपाओ। लेट मतलब क्योंकि मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर करी ना अपनी इवन 2 साल में, मेरे पेरेंट्स को पता था क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी, तो उससे कम से कम मेरे पेरेंट्स को ये तो था, ये तो पता था कि लड़का ठीक है दूसरी चीज़ों में अच्छा है या अच्छा कर सकता है, उस तरफ इंक्लिनेशन है, तो मेरे लिए वो पार्ट थोड़ा आसान था। दूसरा पार्ट भाई जैसे तुम कह रहे हो थोड़ा अचानक हुआ, मतलब अगर तुम उसको 4 साल के उससे देखो तो हाँ अचानक लग सकता है, लेकिन भाई 3 महीने 4 महीने मैंने सोचा था प्रॉपर, समझ लो अप्रैल 2020 से लेके जुलाई 2020 तक, अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे 4 महीने ये सोचने के महीने थे मेरे। मैंने अगस्त में फाइनली कॉलेज ज्वाइन किया, और मतलब अब वो मतलब मेरा लाइक लाइफ में थोड़ा मेंटली भी बैड स्टेट था, लेकिन मैं सोच भी रहा था, मैं पता भी कर रहा था, मैंने इतने सारी चीज़ें लाइक एक होता है ना कि तुम अगर मान लो अपने घर वालों को गुस्से में आके कहते हो मम्मी मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, ठीक है, तो हमें अगर घर वाले कहेंगे मत कर, जा जो करना है कर तुझे, ठीक है, फिर तुम जाओगे एक हफ्ता हाथ पैर मारोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कोई मोमेंटरी गुस्सा था, तुम भाई किताब निकाल के वापस बैठ जाओगे। मैंने वो चीज़ नहीं करी, मतलब ऑब्वियसली एक पॉइंट इन टाइम पर तक तुम्हें पता था मुझे यही देना है, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा था, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे समझ में आया कि यार मेरा जेन्युइनली जेई में इंटरेस्ट नहीं है। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, इट्स नॉट दैट आई एम लीविंग बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड दैट्स बिकॉज आई एम लीविंग, इट्स बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट लाइक दिस एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक आउट। और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मैंने रिसर्च करी और मुझे लिबरल आर्ट्स मिला, मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने लिबरल आर्ट्स के लिए अप्लाई भी मज़े मज़े में किया था। मैं NMIMS में इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहा था, लिबरल आर्ट्स बगल में थी, सुंदर अच्छी लग रही थी, मैंने वो बक्सा भी क्लिक कर दिया। तो वो तो मतलब बस आके बैग में आ रही वो चीज़ ऐसे, लेकिन उस पर मैंने सब्जेक्ट्स देखे, मैंने कहा यानी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, एक जनरलिस्ट अप्रोच है हर चीज़ के लिए, और मैं उस पर काफ़ी बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, कितना समझा लोगे मुझे, मैं 19 साल का हूँ भाई, कहाँ से अपनी ज़िंदगी को PCM के अंदर दबा दूँ, मुझे तो अभी पढ़ना है, मुझे तो अभी जानना है और दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, फिलासफी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सब बताओ मुझे, तो अभी मैं देखूँगा मुझे बाद में क्या करना। तो फिर इवन पेरेंट्स को भाई मतलब मेरे पेरेंट्स टू काफ़ी उस सेंस में काफ़ी अगेन लिबरल, दे आर लाइक कि आई एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, क्योंकि उनको क्योंकि भाई एक चीज़ मेरे साथ बचपन से है ना कि मैं जो चीज़ करने जाता हूँ ना लाइक ये चीज़ मुझे फ़ायदा दी, ये चीज़ मेरी फ़ायदे में कि इफ़ आई लाइक समथिंग आई डू इट एंड आई गेट रिजल्ट्स, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर उतना ट्रस्ट करते हैं कि ये कोई बेवकूफ़ी वाला डिसीजन नहीं लेगा अपनी लाइफ के लिए, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी वो तब वो उस मामले में वो काफ़ी आसान था कि ठीक है सिद्धांश तुम बेहतर जानते हो तुम्हें, मतलब लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात भी करी एंड उसके बाद इवन पेरेंट्स वर कन्विंस्ड, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी बट दे इवेंचुअली ओवरकेम देम एंड अभी भी माय पेरेंट्स आर हैप्पी उस सेंस में कि यार ठीक है अच्छी बात है तुम्हें नहीं पसंद था तुमने नहीं किया, तो यार उस चीज़ में आई एम ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ
कि मैंने अपने वो चीज़ें कल्टिवेट करी और फिर उनको पुट उनको यूज में पुट किया. आई फाइंड माई सेल्फ लकी इन दैट सेंस. अमेजिंग. सो या तो एक तो मुझे बड़ा मज़ा आया. तुम्हें कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बढ़िया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो. हाँ तुमने पहला ही किया ना ये तो. और मतलब हाँ तो काफी अच्छा चलिए एक्सपीरियंस फिर. था. मतलब ये असल में यहाँ आज जो हमने कुछ बातें करी ना, वो बातें मैं ज़्यादा लोगों से कर नहीं सकता, क्योंकि इवन अब जो मेरा इमीडिएट सर्कल है वो क्या जानता है भाई कोचिंग के बारे में? वो क्या जानता है भाई हमारे हमारे डंडों के बारे में? वो क्या अपनी जानता है उन हार्डशिप, अपनी बेंचों के बारे में स्ट्रगल. जहाँ हाँ, वो क्या जानता है कि हम इतना चिपक चिपक के बैठे हैं क्लास में क्योंकि भाई लड़कियों वाली बेंच पे नहीं बैठ सकता था वो. हाँ, उनको नहीं पता वो कि क्या छोटे से कमरे में 40 बच्चे बैठे और एसी भी नहीं काम कर रहा है. हाँ उनको नहीं पता भाई, उनको नहीं पता कि तुम्हारे जब हाथ पे रूलर लगते हैं तो कैसा लगता है. उनके उनके हाथ पे रूलर उनके हाथ पे रूलर लग जाए तो एक सोशल मीडिया की पोस्ट आ जाएगी अगले दिन, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे. नाइस. तो इट वाज लाइक जो भी लोग मेरे कॉलेज से देखेंगे उनको समझ में आएगा कि यार क्या हुआ. तो थैंक यू सार्थक, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वील सी यू लेटर.